हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ गेट एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। और जो ये मेरी सीरीज है जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ गेट के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स और कुछ रिवीजन भी दूंगा, क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये भी बताऊंगा, और क्या क्या आ चुका है, क्या क्या आने के फर्दर स्कोप्स हैं उन्हें डिस्कस करूंगा। तो ये सभी वीडियो खासतौर से जो स्टूडेंट गेट का एग्जाम लिखने जा रहे हैं उनके लिए है मेरी तरफ से, लेकिन बाकी फिजिक्स कम्युनिटी को भी ये निश्चित तौर से लाभ देंगे, क्योंकि जो इसमें मैं कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सभी ऐसे कंसेप्ट हैं जिनसे क्वेश्चन रेगुलर आता है। और मैंने पीछे के जो पेपर हैं उनके एनालिसिस करते हुए जो चीज़ें देखी हैं कि कहाँ से क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है उन्हीं को मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो एक क्वेश्चन जो मैं रेगुलर देखता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एक बन के उभरता है वो है हमारा बाउंड चार्ज का, और बाउंड चार्ज डेंसिटी पूछता है बहुत बार क्वेश्चंस गेट में देखा जाता है। तो पहले मैं बताऊंगा बाउंड चार्ज डेंसिटी कैसे निकालें और इसके संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करूंगा ब्रीफ में, और आगे क्या क्या स्कोप्स बनते हैं क्वेश्चन के आने के वो भी डिस्कस करूंगा। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन हैं जो बाउंड चार्ज डेंसिटी पाए हुए हैं उनमें कुछ क्वेश्चन मैं देखे दे रहा हूँ। पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है पी की वैल्यू दे रखी थी पी इक्वल टू के आर, और स्पेक्ट्रल कॉम्पोनेंट में था और पूछा गया था इसके अंदर बाउंड सरफेस और बाउंड सरफेस पूछी थी, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बाउंड चार्ज डेंसिटी इसमें पूछी गई थी बीसीडी, और ये पूछी गई थी इसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एक क्वेश्चन तो यह आया हुआ है, उसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा गया था, ई भी पूछा गया था आउटसाइड। और इसी क्वेश्चन में कुछ मैं फटा चीजें भी और ऐड करूंगा क्या और इसमें क्या क्या बन सकता है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई इसके क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम किस तरीका से इस पर करें। एक क्वेश्चन इस पर आया हुआ है पी इक्वल टू के जेड, ये आया हुआ है पी इक्वल टू फाइव जेड स्क्वायर प्लस सेवन और के कैप, ये आया हुआ है और इसमें पूछा गया था आप कैलकुलेट करें, सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर की लेंथ एल है और रेडियस आर है, डायग्राम भी बना रखा था और इसमें पूछा गया था वॉल्यूम बाउंड चार्ज, वॉल्यूम बाउंड चार्ज ये क्वेश्चन पूछा गया है। और भी बाकी क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं इसे इसकी मदद नहीं लूंगा, केवल वैसे ही बता दूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें वैसे ही याद हैं क्या क्या इसमें पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा गया था कि पी की वैल्यू दे रखी थी पी आर स्क्वायर और यहाँ आर कैप दे रखा था, साथ साथ पूछा था कि इसके अंदर जो है वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन फिर आते हैं तो किस तरीके से इन्हें सॉल्व करें और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में कैसे निकालें, ये सब चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन की संभावना और वेज बनी रहती है। और रोबी की जो स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स में ये भी बताऊंगा कि आगे आपका स्कोप इसमें बनता है। रोबी जो होता है वो होता है माइनस डाइवर्जेंस बी, इसे कहते हैं वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी बी बी सी डी, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है माइनस डाइवर्जेंस पी। इस पर जब पहले क्वेश्चन देखा गया पी बराबर ये जो वैल्यू था के आर, और आर को कई बार क्या कहता है कि आर को कह देता है वो स्पेसिफिक कह देता है कि आर जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिया गया है, कई बार वो स्पेक्ट्रल कोऑर्डिनेट में स्पेसिफाई कर देता है, इस तरीके से भी पूछता है कि अगर वो कहता है इसी क्वेश्चन को कि कार्टेशियन के लिए सॉल्व करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सॉल्व करें इसे तो अलग तरीका से सॉल्व करेंगे, और पोलर में अगर कहता है तो अलग तरीका से। तो अगर हम कार्टेशियन में लेकर चले तो डाइवर्जेंस को हम लिख पाएंगे माइनस डेल ओवर डेल एक्स आई माइनस, यहाँ पे माइनस पे यहाँ कॉमन ले लिया है हमने, और प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, और ये पी आ जाएगा। पी को तीनों पार्ट्स में बांट लें पी एक्स आई, और क्योंकि पी जो होता है पोलराइजेशन वेक्टर वो जो है वो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये भी ध्यान रखें पी को अलग अलग ले लें। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो हमारा एक्सप्रेशन माइनस डेल पी एक्स अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, आई डॉट आई जो है वन होगा, जे डॉट जे वन होगा, ये यूनिट वेक्टर है एक्स वाई जेड कह लो, और ये के डॉट के जो है वो हमारा वन होगा, बाकी की टर्म्स जीरो हो जाएंगी। तो एक टर्म सी आएगी प्लस डेल पी वाई अपॉन डेल वाई और प्लस डेल पी जेड अपॉन डेल जेड। तो इस फॉर्मूले को याद करके हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर आता है पी एक्स पी वाई पी जेड हमें देता है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करें और सिंपली क्वेश्चन सॉल्व कर दें। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि पोलराइजेशन जो है वो दे दिया हमसे, पोलराइजेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, और पूछता है कि वो भी कैलकुलेट करें, पर हमें कुछ नहीं करना, इसमें केवल वैल्यू पुट कर देंगे, पी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख दें, पी वाई की जगह वाई स्क्वायर और पी जेड की जगह जेड स्क्वायर रख दें। और अगर हमारा पी बराबर जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो सिंपली दे रखा है के आर, और के यहाँ पे कॉन्स्टेंट है और आर यहाँ पोजिशन वेक्टर है,
और कार्टेशियन के हिसाब से सॉल्व करा रहा है, तो आर की जगह पे क्या कर दे के और यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ले लें और फिर इसे सॉल्व कर दें। तो यहाँ से जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू को के एक्स लेंगे, पी वाई को के वाई लेंगे, पी जेड को के जेड लेंगे, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो सिंपली जो वैल्यू है वो माइनस थ्री के सॉल्व हो जाएगी। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आ चुका है क्वेश्चन, और बाकी इस पर जो क्वेश्चन था वो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में भी आया, मैं उसे भी डिस्कस कर रहा हूँ कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में किस तरीका से आया और कैसे आपको सॉल्व करना था। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में, और एक मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि स्मार्ट प्रिपरेशन में याद रखें कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में कई बार क्वेश्चन इस पर पूछा जा चुका है। तो स्पेरिकल में आ चुका है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आ चुका है, तो सिलेंडर के लिए तैयार रहें। मैं सिलेंडर के लिए भी कुछ टिप्स दूंगा, बताऊंगा कि कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें, जैसे इसमें रूबी हमें कैलकुलेट किया करना था, तो रूबी को कैलकुलेट कर लें, माइनस डायवर्जेंस पी और पी की ये वैल्यू पुट कर दें। पी केवल यहाँ केवल जेड डायरेक्शन में है, पोलराइजर, तो जो एक्स और वाई जेड के कंपोनेंट हैं एक्स और वाई के, वो जीरो ही हो जाएंगे, केवल जेड का बचेगा। तो यहाँ से केवल माइनस डेल पी जेड अपॉन डेल जेड हमें करना होगा, क्योंकि यहाँ केवल डायरेक्शन के कैप में है और केवल फंक्शन भी ये जेड का है, तो केवल हमें ये इतना इसमें सॉल्व करना है। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी माइनस फाइव जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जेड के रेस्पेक्ट, तो ये माइनस यहाँ पे है ऑलरेडी, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस टेन जेड। तो ये रो भी आ जाएगा, अगर रो भी पूछता है तो इतना लिखते हैं। अब चार्ज अगर हमसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तो क्यू भी जो होता है वो हमारा हो जाएगा रो भी इंटू डी भी, और रो भी जो होगा उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है यहाँ पे, वो हमारी रो भी जो आया है यहाँ पे कैलकुलेट की है माइनस टेन जेड है, और डी भी जो एलिमेंट है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डायग्राम को बना रखा है वो हमारा बनाया हुआ है आर डी आर डी फाइव डी जेड ने सिलेंडर का लिया है, तो वॉल्यूम एलिमेंट हमें सिलेंडर का लेना है। अगर यही क्वेश्चन हमारा स्पेरिकल के लिए आता तो डी डी को फिर हमें लेना होता आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, और अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो सिलेंडर के लिए है तो डी डी की वैल्यू को लेंगे आर डी आर डी फाइव डी जेड, इसको यहाँ पर पुट कर दें डी डी को, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से आर डी आर डी फाइव और डी जेड। इसके बाद क्या करें कि तीन इंटीग्रल इस पर लगा दें, क्योंकि हमें जो इंटीग्रेशन है वो जेड के रेस्पेक्ट करना है, जेड जो हमारा आ जाएगा वो जीरो से लेकर टेन ले लें, और जो फाइव की लिमिट है उसे जीरो से लेकर टू पाई ले जाए, और आर की जो लिमिट है उसे देख लें कि हमें जो सिलेंडर दे रखा है उसमें रेडियस को क्या दिया गया है, तो जो रेडियस दे रखी है वो इसके अंदर वो स्मॉल आर ही दे रखी है, तो उसे जीरो से लेकर स्मॉल आर तक इसे हम इंटीग्रेट कर दें। यहाँ से हमें आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा इसका सोल्यूशन था, मुझे उम्मीद है कि आप इसे ईजिली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस टेन आएगा जेड स्क्वायर बाई टू आएगा, और अपन लिमिट रख के जेड की लिमिट लेंगे तो टेन एल स्क्वायर बाई टू बन जाएगा। उसके अलावा आर की रेस्पेक्ट करेंगे इसे तो आर डी आर हमारा बन जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, और बी फाई का इंटीग्रेशन आ जाएगा फाइव, और जीरो से टू पाई करके इसे इंटीग्रेट करें तो ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये आंसर आपने निकाल लेंगे इजीली, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस फाइव, जो वैल्यू है वो हमारी आ रही है माइनस फाइव और पाई आ रहा है इसमें, और आर स्क्वायर एल स्क्वायर, इस तरीका से ये वैल्यू हमें ओके हो जाएगी। तो ये आंसर था इसका, तो आंसर इसका डी जा रहा है। मैं एक बार इसका आंसर पीछे से भी चेक कर लेता हूँ कहीं आंसर में कोई गलती तो नहीं है। 45 का जो आंसर है वो हमारा डी हो गया, तो ठीक आंसर है, ये सोल्यूशन ओके हो गया। उसके बाद में ये क्यों भी हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया, और एक दो क्वेश्चन और जो इस पर आए हैं और क्या इस पर आगे फर्दर आने हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ दिन से क्वेश्चन नहीं आया है, तो याद रखें कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कुछ दिन से नहीं पूछे गए हैं तो वहां से क्वेश्चन रिवाइव होता है, और वे याद रखें। स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स में मैं एक ही बात कहूंगा कि पीछे के 15 से लेकर 20 ईयर्स के पेपरों पर फोकस करें और देखें कि कुछ टॉपिक जो बहुत ही हॉट रहे हैं एग्जामिनर की नजर में, अगर वो नहीं पूछे गए कुछ दिन से तो क्वेश्चन की उस पर संभावना बन जाती है। तो पी की वैल्यू पोलराइजेशन दे रखा था एक बार क्वेश्चन में, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में के आर स्क्वायर यहाँ पे मेंशन था कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट है, तो पूछा गया था स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के अलावा इसमें पूछा गया था रो भी कैलकुलेट करें। तो याद रखें कि पी जब आर का फंक्शन है यहाँ पे आर कैलकुलेबल डायरेक्शन के लिए, तो रो भी की वैल्यू को यहाँ पे माइनस डायवर्जेंस पी ले लें, और डायवर्जेंस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लें माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर टेरो बटेरा और आर स्क्वायर और पी आर, ये हमें यूज करना है, ये यूज करना है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर।
अगर यही क्वेश्चन सिलेंडर के लिए आता है तो मैं सिलेंडर के लिए आपको तैयार कर देता हूँ। सिलेंडर में अगर पी की वैल्यू देता है थ्रो भी को तो यही लेंगे माइनस डाइवर्जेंस पी, यहाँ पे जो है पावर एक कम करते हैं आर स्क्वायर की जगह वन अपोन आर में वन अपोन आर डेल ओवर डेल आर और आर पी आर अगर पी फंक्शन आर का है। तो इस तरीके से सॉल्व करें, जैसे ये हमारी वैल्यू है यहाँ से वैल्यू हमारी आएगी माइनस वन अपोन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर और आर स्क्वायर और पी आर की वैल्यू ये पुट कर दें के आर स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी उसके बाद माइनस वन अपोन आर स्क्वायर आ जाएगा कि बाहर ले आए आर फोर का जो डिफ्रेंसिएशन है वो हमारा आ जाएगा फोर आर क्यूब, क्योंकि आर फोर को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रेस्पेक्ट तो फोर आर क्यूब आ जाएगा, तो ये आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा माइनस फोर के आर। ये क्वेश्चन आ चुका है नेट में, ये आप देख लेना कब पूछा गया है। और अगर यही क्वेश्चन हमें सिलेंडिकल में पूछे तो इस तरीका से सॉल्व करें माइनस वन अपोन आर डेल ओवर डेल आर आर और यहाँ पे वैल्यू ले लें के आर स्क्वायर, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आर स्क्वायर दे, कि आर क्यूब दे सकता है, कि आर फोर दे सकता है, तो इसी तरीका से लेकर चले पी आर की जगह पर वैल्यू पुट कर दे, यहाँ से जो वैल्यू है ये हमारी आएगी माइनस वन अपोन आर के और आर क्यूब का डिफ्रेंसिएशन जब लेंगे तो ये थ्री आर स्क्वायर बन जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस थ्री के आर। तो हम देख रहे हैं कि दोनों आंसरों में डिपेंडेंसी तो आर पे रहती है लेकिन क्या हुआ है माइनस फोर के आर होगा और यहाँ माइनस थ्री के आर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चनों के आंसरों को देख लें, ये भी आप ये रेट गेट पर आ चुका है, इसके आने की संभावना है। ये मैं स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स में बता रहा था कि कैसे क्वेश्चन बनता है। एक चीज सदा याद रखें जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे बताना है आपको और बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, वो ये है कि नेट बाउंड चार्ज जो होता है नेट बाउंड चार्ज क्यू भी नेट बाउंड वो जो होता है ऑलवेज जीरो होता है। तो जो हमारा क्यू भी होता है वो हमारा जो वॉल्यूम में चार्ज है रो बी डी भी होगा वॉल्यूम के अंदर, यहाँ पर बी को हम रो बी जो होगा वो वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी होगी प्लस यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल लगा दें सिग्मा बी डॉट डी एस होगा, ये हमारा सरफेस पर चार्ज होगा। यहाँ पर रो बी की जगह पर हम ले सकते हैं माइनस डाइवर्जेंस पी और सिग्मा बी की जो वैल्यू होती है वो पी डॉट एन कैप होती है, ये याद रखें। जैसे ये वैल्यू यहाँ रखेंगे और ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्यू भी हमारा जीरो हो जाएगा। अब इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है उसको समझें। जैसा कि हमारा इससे पहला मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें वॉल्यूम के अंदर चार्ज पूछा था, अगर वो कहने लगता उसी क्वेश्चन में कि सरफेस का चार्ज निकालें तो आप ना उसका चार्ज ना निकालें बल्कि क्या करें कि जो वॉल्यूम में चार्ज आ गया है उतना ही जो अगर वो चार्ज वॉल्यूम का माइनस है तो उतना ही प्लस का चार्ज सरफेस का होगा। तो नेट चार्ज जो है जब भी हम कैलकुलेट करें तो नेट चार्ज हमारा जीरो होगा, उससे हमें फायदा होगा ये कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, कई बार हम आंसर दे पाएंगे। ई जो होता है वो जीरो रहता है ऑलवेज आउटसाइड में, ध्यान दें कि ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा कि जैसे हम सपोज किया कोई सरफेस लेते हैं और वॉल्यूम में जो चार्ज जितना प्लस का है इतना सरफेस पे, अगर हम जैसे एक डायग्राम हमने ले लिया यहाँ पे हमारा चार्ज प्लस आ रहा है इतना इस चार्ज सरफेस पे लेंगे तो आ रहा है, तो जब बाहर के लिए गॉसियन सरफेस लेंगे हम तो बाहर के लिए गॉसियन सरफेस में क्या होगा जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो नेट जो चार्ज इस पूरी के पूरे रीजन में बन जाएगा वो जीरो बन जाएगा। और अगर गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज हमारा जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से कंसेप्टों को अप्लाई करना सीख ले, यहाँ से क्वेश्चन की ऑलवेज उम्मीद रहती है मुझे कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने नंबर वन जो चॉइस पर रखा इसी टॉपिक को रखा है। कुछ और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो ये मैं डिस्कशन दे रहा हूँ ये काफ़ी यूजफुल होगा, खासतौर से जो स्टूडेंट्स गेट की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें पेपर देना है उनके लिए काफ़ी बेनिफिट देंगे इस तरीका के कंसेप्ट, तो उन्हें पता चलेगा कि क्या हमने देखा है अभी मतलब तो क्या चीज़ें हमारी रिवीजन के लिए बची हैं और जो सारे डायरेक्शन दे रहे हैं उस डायरेक्शन को अगर आप फुलफिल करेंगे तो पेपर में अच्छा परफॉर्म भी करेंगे, क्योंकि जिन्हें अच्छी रैंक लगानी है उनके लिए एक नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और जो बाउंड्री पर चल रहे हैं स्टूडेंट्स जिन्हें पेशेंट वो की जिनकी सिचुएशन होती है कि हमारा सिलेक्शन हो भी सकता है नहीं हो सकता, उनके लिए एक दो दो नंबर की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता दूँ पेपर के हिसाब से, कुछ और कंसेप्ट सिखाता हूँ। एक क्वेश्चन जो मैं रेगुलर देखता हूँ जैसे हमारा क्या है ये क्वेश्चन जो दूसरा कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ, हालांकि पहले कंसेप्ट में भी मैंने एक कंसेप्ट डिस्कस नहीं किया, बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं और इसमें भी मैं डिस्कशन दे रहा हूँ, तो इसमें क्वेश्चन में देखो क्या कहता है। बहुत बार क्वेश्चन इस तरीका का देखा गया है, मैंने बहुत बार देखा पेपर में कभी की दुनिया में ए देता है और पूछता है वैसे कौन सा ए पॉसिबल है कौन सा ए पॉसिबल नहीं है,
बहुत बार इस तरीका का क्वेश्चन आता है, इसे अच्छे से देख लें और समझ लें, मैं इसका तरीका बताता हूँ आपको और फिर फर्दर बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन की उम्मीद है। ध्यान ये भी रखें कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो भी करें। कई बार क्या होगा, स्टूडेंट सुन लेता है और सोचता है कि सर तो बस बताते रहते हैं और मैं रिवाइज नहीं करता, फिर पेपर में जाकर परेशान होता है। तो जो डायरेक्शन तुम्हें दी जा रही है उसमें थोड़ा काम भी करें, ऐसा ना करें कि केवल और केवल ऐसे ही कोशिश करें कि सर ने बता दिया बस इतना ही काफी है। जो इतना सर आगे के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं उस पर भी ध्यान दें। इसमें क्या कहता है कि ये बता देता है कई बार और कहता है कि बताइए इनमें से कौन सा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को डज नॉट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ऐसे पूछता है। याद रखें ये क्वेश्चन दो तरीका से मैंने देखा है, लगातार क्वेश्चन आता है। एक तो ये याद रखें कि डाइवर्जेंस बी जो होता है वो सदा जीरो होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण एक चीज मैं कहना चाहूंगा। और इसमें दो फॉर्मूले ये इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। एक हो जाता है हमारा कर्ल बी बराबर म्यू नॉट जे। यहाँ पर मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जैसे चार बी दे देगा और कह देगा इनमें से कौन सा बी पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें उसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करके देख लें कि जो उसका डाइवर्जेंस अगर हमारा जिसका भी जीरो नहीं होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। कई बार ऐसा दे सकता है कि ये चार मैग्नेटिक फील्ड हमसे दे दिए और हमसे पूछा कि आप बताएं कि इनमें से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड सही दिया हुआ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्जेंस भी जीरो को रिप्रेजेंट करेगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका डाइवर्जेंस ऑलवेज जीरो होता है। तो ये इससे हमें क्वेश्चन मिल जाता है, कई बार इस पर तैयार रहे। एक इस पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मिलती है वो मिलती है हमारे, अगर डाइवर्जेंस बी जीरो है तो बी को एक क्वांटिटी के कर्ल के ऊपर लिखा जा सकता है, बी बराबर कर्ल। तो बी बराबर कर्ल में क्वेश्चन देखे गए लगातार क्या होता है, ए हमसे देता है और बी हमसे कैलकुलेट कराता है। ये क्वेश्चन भी यही है कि क्या कह रहा है कि बी बराबर कर्ल ले तो इनका सबका कर्ल लेना होगा, इसका कर्ल लें, इसका कर्ल लें, इसका कर्ल लें और इसका कर्ल लें, और इसको ए एक्स, इसको ए वाई, इसको ए जेड ले लें, इसको ए एक्स ए वाई ए जेड ले, इसको ए एक्स ए वाई ए जेड ले, इसको ए एक्स ए वाई ए जेड ले, और देख लें बी बराबर कर लेने जो जो बी को जहां से कैलकुलेट करके बी बी नॉट आएगा वो नहीं पूछ रहा है, क्योंकि वो बी नॉट ये पूछ रहा है कि जो बी को बी नॉट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो एक क्वांटिटी इनमें से चेक कर लें कि बी बराबर करने से बी नॉट नहीं देगी तो वो हमारा आंसर इसमें हमें मार्क करना है। तो बहुत क्वेश्चन इस पर मैं देखता हूँ, साथ साथ फ्यूचर में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लगातार इस पार्ट प्रिपरेशन टिप्स पे आप क्या करें, मुझे उम्मीद है आगे और जल्दी ही आप पेपर में देखेंगे कि ए जो आएगा वो या तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में देगा या हमें सिलेंड्रिकल में देने वाला है आगे। ध्यान रखना मेरी इस चीज को, मैं आगे से प्रिजेक्ट करने दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा जल्दी ही, हो सकता है इस बार ही मिल जाए। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में कल हमें अप्लाई करने होंगे या तो सिलेंडर में आए, पहले होंगी तो मुझे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट की है, उसके बाद सिलेंड्रिकल में पूछा जाने लगेगा यही क्वेश्चन। तो बी बराबर कल में ए देगा और ए देगा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में, कल आपको याद रखना है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट को और भी पूछ लेगा, तो कल याद रखें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में सिलेंड्रिकल में, सिलेंड्रिकल में भी आ सकता है कि ए जो है सिलेंडर कोऑर्डिनेट में दे दे और बी पूछ ले, तो कल के दोनों फॉर्मूले याद कर लें स्पेरिकल के और सिलेंड्रिकल के। साथ साथ ये भी याद रखें कि ए जब हमें आर थीटा फाइव में दिया हुआ होगा तो सबने स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का कर्ल लगाना है, और ए अगर हमारा आर थीटा जेड में दे रखा है तो हमें कर्ल का एक्सप्रेशन सिलेंड्रिकल का लगाना है, तो ये भी ध्यान रखना। और कल के दोनों फॉर्मूले मुझे उम्मीद है कि आप आज ही रिमेंबर कर लेंगे, जिन्होंने रिमेंबर कर लिए एक सो के वो रिवाइज करके रखें और जिन्होंने अभी कल के फॉर्मूले याद नहीं किए हैं वो जरूर याद कर लें, क्योंकि उसका फायदा आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलने वाला है नियर फ्यूचर में। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्या करें, स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स में एक ही काम आपको करना होता है, मैं उसी हिसाब पर काम कर रहा हूँ, आप सदा एक ही काम ध्यान रखें, ऑलवेज रिमेंबर रखें इस चीज को कि जो पूछा जा चुका है उसके आसपास जरूर सोच कर रखें कि क्या क्या संभावना बनती है और क्वेश्चनों को सॉल्व करें। जैसे मैंने क्या देखा है कि कई बार क्या दिया, एक बार पूछ रखा था ए की वैल्यू दे रखी थी सीधी वाई और एक्स के टर्म्स में और बी बराबर कर अप्लाई करना था, तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारे क्वेश्चन सारे होते हैं उन क्वेश्चनों में हमें ये इस चीज को ध्यान रखना होगा कि जैसे हमारा कर्ल भी बराबर म्यू नॉट जे है तो इसमें देख लें कि इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो जैसे हमें बी देगा और जे हमसे पूछेगा तो कर्ल भी बराबर म्यू नॉट जे लगा दें, तो यहाँ से क्या होगा कर्ल निकाल लें बी का और जे कैलकुलेट कर लें। उसके अलावा बी बराबर कर्ल ले होता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखा गया है, तो बी को कर्ल के इक्वल कर दें इसका तो म्यू नॉट जे यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा हमारा ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ए माइनस जे स्क्वायर ए इक्वल टू म्यू नॉट जे।
ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन इस पर देखे जाते हैं, जब ये वैल्यू जीरो होती है तो डेल स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो हमारी माइनस म्यू नॉट ए हो जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है, इस फॉर्मूले को अच्छे से कर लें, ए की वैल्यू देता है और जे हमसे पूछ लेता है। तो ए को जैसे क्वेश्चन में देता है कि ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया, ए पूछा था, तो आपको डेल स्क्वायर ए निकाल लेना है उसका और माइनस वन अपॉन म्यू नॉट से डिवाइड कर देना, जे आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, बी बराबर कर ले पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको तैयार रखें। मैं थोड़ा समय की इंपॉर्टेंस को समझते हुए जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें बता रहा हूँ कि क्या क्या आ रहा है और क्या क्या उसमें वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को ढूंढने में थोड़ा समय लगता है और उससे क्या होता है काफी समय क्वेश्चन को सर्च करने में निकल जाता है। एक क्वेश्चन मैंने जो देखा है, जो इसे भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में गिनता हूँ, उसे डिस्कस कर रहा हूँ, कि कहता है कि वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू देता है, ये वेक्टर पोटेंशियल दे रखा है, कॉन्स्टेंट पोटेंशियल दे रखा है, बल्कि इस पर पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है कॉन्स्टेंट माइनस ई नॉट और कॉस थीटा, और साथ साथ दे रखा है प्लस ई नॉट ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये पोटेंशियल गिवन है और पूछ रखा है इसके अंदर चार्जेस की बताएं थीटा बराबर कर चुके हैं। इस पर क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है, लगातार पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट मैं इसमें बताना चाहूँगा, इस पर भी लगातार क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान दें कि क्वेश्चन पूरा ये है और मैं ये भी बता रहा हूँ, 2011 का क्वेश्चन है, पोटेंशियल दे रखा था कॉन्स्टेंट माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा प्लस ई नॉट ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा और चार्जेस की पूछी थी। तो इसमें क्या करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम सब जानते हैं माइनस डेल फाइव ओवर डेल आर हो जाएगा, और अगर हम सरफेस पे निकालना चाहते हैं सरफेस चार्ज की पूछिए तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर कर दें, तो ई हमें ऐसे पता चलेगा और ई की वैल्यू को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दें, तो यहाँ से सिग्मा जो सॉल्व करके हमें मिलेगा वो 3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस थीटा हमें ऐसे ऑब्टेन हो जाएगा। इस क्वेश्चन इस पर बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, सिग्मा पूछता है बहुत बार पूछता है इसमें, और ये चार्ज डेंसिटी पूछी थी थीटा बराबर 30 पे, तो सिग्मा की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए थीटा बराबर 30 कर दें और सिग्मा निकाल लें। साथ साथ ये भी याद रखें कि अगर यही क्वेश्चन ये स्फेरिकल कंडक्टर था, अगर ये सिलैंडरिकल कंडक्टर के लिए आता है तो सिलैंडरिकल कंडक्टर में आप कैसे सॉल्व करें, मैं फिर से कह रहा हूँ इस बार प्रेशर चिप्स में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि स्फेरिकल मार चुका सिलेंडर में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये टर्म तो ऐसा रहेगी, वहां भी यहाँ पे पावर ए कम हो जाएंगे, यहाँ ए स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा, बस यही अंतर रहेगा, ए स्क्वायर अपॉन आर आएगा, ए यहाँ पे रेडियस होगी और वहां पे जो यहाँ पे रेडियस ए है जो हमारी स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी आर वो पॉइंट है जिसके ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट पर जो है वो वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे सिग्मा की जो वैल्यू है वो हमारी रहेगी 2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस थीटा। तो 3 की बजाय क्या करते हैं, यहाँ तो 3 लिया था हमने, यहाँ पे हम 3 की जगह 2 ले लेंगे, बस इतना अंतर आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, इस पर आ चुका आ सकता है और इसमें ये भी पूछ सकता है, देखें और क्या क्या पूछ सकता है, हमसे सिग्मा और थीटा दे दे, ई नॉट की वैल्यू पूछ ले, ये भी संभव है, उसके अलावा हमसे ई नॉट और सिग्मा दे दे, कॉस थीटा की वैल्यू पूछ ले, मीन थीटा पूछ ले, तो इस पर ये भी ना सोचें कि ये पूछा है केवल ये पूछा जाएगा, ऐसा भी नहीं है, कई बार क्या करेगा इस फॉर्म में जैसे हमसे कह देगा कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस थीटा का जैसा आंसर हमें ये भी मार्क करना पड़ सकता है सिग्मा अपॉन 3 ई नॉट ई नॉट। अब क्या होगा, सिग्मा की वैल्यू देगा ई नॉट दे देगा, ये हमें पता ही होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, थीटा हमसे कैलकुलेट करा लेगा। तो क्या करें, स्मार्ट प्रिपरेशन में याद रखें कि जो फॉर्मूला है उस पर जो पूछा जा चुका है उस पर ये भी सोचें कि और आगे फर्दर क्या स्कोप है पूछे जाने का, ये भी ध्यान रखें। कई बार ऐसा भी पूछ सकता है कि ई नॉट को ऐसे रख दें, कह दें कि थीटा की वैल्यू 30 है और एक बार ये थीटा 1 है, थीटा 2 की वैल्यू 60 डिग्री है, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की वैल्यू निकालें, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 2 हमें यूज करना पड़ेगा और हो सकता है यहाँ इसमें से एक वैल्यू दे दे और दूसरी पूछ ले, या दोनों की रेशो पूछ ले, तो अगर रेशो ही पूछता है तो कॉस 30 अपॉन कॉस 60 कर दे और उसके बाद इसे सॉल्व कर दे। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीका से आप स्मार्ट तैयारी करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इसको और फर्दर बन सकते हैं, क्या क्या आ चुका है। जब भी आप स्पेरिकल कॉम्प्लेट में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो स्पेरिकल के साथ साथ कोशिश ये करेंगे कि स्पेरिकल के साथ साथ आपकी सिलेंडर की प्रिपरेशन भी तैयार रहे, क्योंकि अगर आप स्पेरिकल के साथ साथ सिलेंडर तैयार रखते हैं तो आपको निश्चित तौर से फायदा रहेगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन कार्टिजन पर पूछे गए थे, फिर कार्टिजन से स्पेरिकल कॉम्प्लेट पर पूछे जाने लगे और अब आगे फर्दर स्कोप बनता है सिलेंडर का, और स्पेरिकल में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन पर फिर यही कोशिश करें कि और क्या क्या चीजें हमारी जो है वो आ सकती हैं आगे।
मैं इस वीडियो में काफ़ी समय ऑलरेडी दे चुका हूँ, कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ में आगे और वीडियो में अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो में कुछ मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा जो महत्वपूर्ण रहती है। एक इस तरीका के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बार आते हैं, ई देता है और बी हमसे पूछ लेता है। तो दो क्वेश्चंस जो है मैंने देखा है कि अगर एएमटी में मुझसे कहा जाए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला कौन सा है, तो दो जो टॉपिक हैं उन्हें मैं लेकर चलूँगा। एक तो देखो, ये क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है कि रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू पूछता है n1 - n2 / n1 + n2 का होल स्क्वायर। इस पर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। n1 जो है फर्स्ट माध्यम पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, n2 जो है सेकेंड माध्यम पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिफ्लेक्टेंस पूछता है। तो इस फॉर्मूले को ऑलवेज दिमाग में रखें और साथ साथ इस पर क्वेश्चन आगे फंडा ये भी पूछा जा सकता है कि हमसे ऐसे भी कह सकता है, r हमें दे दे, n1 दे दे और n2 हमसे पूछ ले। तो इसी फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो इसके अंदर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें देखें और टी जो होगा ट्रांसमिटेंस पूछता है, तो ट्रांसमिटेंस की वैल्यू 4n1 / n2 / n1 + n2 का होल स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस का तो ये तो बहुत ही ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है, मैं इसे मोस्ट मोस्ट में बता रहा हूँ, और ट्रांसमिटेंस का भी लगातार क्वेश्चन की संभावना रहती है। और ये भी याद रखें कि आर प्लस टी जो है वो 1 होता है। तो कई बार क्या होगा, जैसे कोई n1 n2 दे दे और आर और टी दोनों पूछे और एक ही आंसर में अगर आर प्लस टी का संबंध बन रहा है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ना करके देखें, बल्कि क्या करें कि आप सीधा आंसर मार्क कर दें। जैसे मैं किसी क्वेश्चन में वो कहता है कि आर की जो वैल्यू है वो हमारी आती है 0.40 और टी आ रहा है 0.60, और यहाँ पे बी में देता है कि आर की वैल्यू आती है 0.90 और टी आ रहा है 0.20। इस तरीका से अगर देता है तो हमारा ये आंसर अपने आप होगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। उसके अलावा आर प्लस टी को देखो, यहाँ पर जैसे ये हमारा 1.1 निकल गया, आंसर पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है सी ओ डी में कुछ और विकल्प देगा जहां से आर प्लस की बन नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है कि हमें समय भी बच जाता है, हमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती और एक ही कंसेप्ट से क्वेश्चन निकल जाता है। तो इस तरह की चीजों पे स्मार्ट प्रिपरेशन में तैयारी में रखें। साथ साथ में जो इस वीडियो में आगे नहीं बता रहा हूं लेकिन मैंने लगातार डिस्कस किया है, वो है कि ई हमसे देगा बी पूछेगा, तो कर्ल ई बराबर माइनस डेट बी अकाउंट डेट बी ऐसे में अप्लाई करें और क्या करें कि ई अगर हमें दे रखा तो उसका कर्ल ले दें और उसे माइनस के बी अपॉन डी टी के बराबर कर दें, डी टी को इधर ले जाए, माइनस साइन को इधर ले जाए, उसके बाद इसे क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो बी हमें कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर हमसे बी देता है और ई पूछता है तो उसके लिए भी तैयार है। तो मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस का सदा एप्लीकेशन हमें पता ही होना चाहिए। साथ साथ अगर हमें ई और बी दोनों पता है तो पॉइंटिंग वेक्टर हमसे पूछता है कि एस की जो वैल्यू है वो 1/μ0 E×B होगी, डायरेक्शन पे क्वेश्चन पूछता है। तो इसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर ऑलवेज करके रखें। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल चीज़ें मैं इसमें रिवाइज करा रहा था, कंसेप्ट बता रहा था और ऐसी चीज़ें बता रहा था जहाँ से क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये निश्चित तौर से आपको बेनिफिट देगी। और तैयारी करते समय बस आपको एक ही काम करना है, गेट के पेपरों को लगाएं, पेपर से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पेपरों को सॉल्व करने का प्रयास करें, जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसके आसपास जरूर सोचें कि फर्दर क्वेश्चन के क्या स्कोप हैं। बहुत ज़्यादा ब्रॉड में पढ़ के फायदा नहीं मिलता, बल्कि जब पेपर का एनालिसिस करें, पेपर सॉल्व करें, तो उसमें एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि उन्हीं पेपरों में आगे के क्वेश्चन छिपे होते हैं, हमें केवल उन्हीं को टटोलना होता है कि आगे फर्दर क्या स्कोप बन सकता है एग्जामिनर का। तो मुझे उम्मीद है कि इस पार्ट प्रिपरेशन टिप्स निश्चित तौर से आपको बेनिफिट देंगे। थैंक यू, एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।